हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको साबूदाना की खिचड़ी बनाना बताते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, साबूदाना को 2-4 घंटे पहले भिगो के रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद उसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा जब थोड़ा भुन जाएगा तब हम उसमें नट्स डालेंगे। नट्स यानी कि मूँगफली, मूँगफली के दानों को उसमें डालेंगे और उनको तब तक चलाएंगे जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाते हैं। जब वो ब्राउन हो जाएंगे तब हम उनको अलग निकाल के रख लेंगे। देखिए, ये मैंने भुनने के बाद जब ब्राउन हो गए हैं तब इनको निकाल के प्लेट में रख लिया है। और इनको निकाल के रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें करी पत्ते, करी पत्ते हमारे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने नहीं डाले, लेकिन इसमें करी लीव्स डाल के, और हरी मिर्ची तो मैंने डाली, हरी मिर्ची, करी लीव्स और महीन महीन चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे हम। और उसको डालने के बाद तब तक भूनेंगे जब तक कि वो ब्राउन नहीं हो जाता है। ये देखिए, मैंने इसमें प्याज डाला, इसमें साथ में चिली की ग्रीन चिली भी कट की हुई है। इसको डालने के बाद हम इसको चलाते रहेंगे। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तब हम इसमें, अगर हमारा चैनल प्लीज़ आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थंबनेल बना हुआ उसमें वो दबाइए, मुझे बहुत ही इससे सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तब उसमें महीन चॉप किया हुआ टमाटर डाल देंगे। और इनको दोनों को भूनने के बाद इसमें हम थोड़ा मसाला डालेंगे, थोड़ी हल्दी, मिर्ची, धनिया सब डाल के मिक्स कर लेंगे। और साबूदाना जो भीगा हुआ था उसको डाल के, पानी डाल के ढक देंगे, नमक डाल देंगे। ये देखिए, आपका साबूदाना की खिचड़ी तैयार हो गई।